देखिए, जैसे पहले एगो एग्जाम्पल दे देते हैं तब बात बोल देंगे। एग्जाम्पल ये है, बीपीएससी में जब पहली बार ऑप्शन ई जुड़ा था 60 से 62वीं बीपीएससी में, 2016 में उसका परीक्षा हुआ था, हाँ 2016 में हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि तेल किसकी सहायक नदी। 2016 60 से 62वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, आंसर जो भी हो उससे मतलब नहीं। 2018 में 1717 पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स परीक्षा हुआ उसमें ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था, तेल किसकी सहायक नदी। मतलब ये एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि बिहार दरोगा परीक्षा बीपीएससी के क्वेश्चन को रिपीट करता है। मतलब हमें बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखकर जाना चाहिए। देखिए, जो परीक्षा होता है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिहार दरोगा का तो क्वेश्चन बैंक करके जाना ही है, बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक करके जाना है। अगर आप बिहार दरोगा और बीपीएससी दोनों का सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी करके चले जाते हैं ना, अच्छे से 25 से 30 मार्क आराम से आ जाएगा। आप कुछ मत पढ़िए, सिर्फ दोनों क्वेश्चन बैंक करके चले जाइए, तब पर भी 25 से 30 मार्क आपको आ जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन में अगर आप जो है 40वीं बीपीएससी से लेकर वर्तमान बीपीएससी तक के क्वेश्चन और बिहार दरोगा का जितना परीक्षा हुआ उतना, तो आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 25 से 30 थोड़ा लग रहा है ज्यादा बोल रहे हैं, 25 से 30 तो नहीं, तो 15 से 20 तो आराम से करके आ जाइएगा, 15 से 20 आराम से करके आ जाइएगा, समझ गए। तो कुछ बच्चे आकर के हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपके करवाने के अलावा और क्या करे। उनके लिए मेरा ये जवाब है, हमारे करवाने के अलावे जीएस में आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक कीजिए। बिहार दरोगा का तो क्वेश्चन बैंक हम करवा ही रहे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये काम हम 2446 में भी बच्चों से करवाए थे, 2213 में भी बच्चों से करवाए, और आपसे भी करवाना चाहते हैं। तो दिशा निर्देश दे रहे हैं, मास्टर का काम दिशा निर्देश देना ही होता है, करना आपका काम होता है। तो अब आप कितने जागरूक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। करना है अच्छी बात है, नहीं करना फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि सफलता सबको मिलता है नहीं, इसलिए।